नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं। जैसे पहला मैट्रिक्स है हमारा, इसमें रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक ही हमारी पंक्ति हो लेकिन एक से अधिक कॉलम हो सकते हैं, यानी m इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे इसके लिए हमारे पास n इज इक्वल्स टू 4 है। ठीक इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें केवल एक कॉलम हो और एक से अधिक पंक्तियां हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद थर्ड नंबर नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में m क्रॉस m इंटू n लिखते हैं, यानी कोई भी मैट्रिक्स में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, m इंटू n होती है, ऐसा हम जानते हैं। और यदि m इज इक्वल्स टू n हो प्रत्येक बार, यानी उसमें जितनी पंक्तियाँ हैं, जैसे इसमें दो पंक्तियाँ हैं और दो कॉलम है, तो यह अपना क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अलग अलग नाम आ जाते हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें केवल अपने विकर्ण के अवयव की कुछ वैल्यूज होती हैं और प्रत्येक वैल्यू भिन्न भिन्न होती हैं, तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, और अन्य जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैल्यूज जीरो हैं। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में है तो वो डायगोनल एलिमेंट को रखने वाला, लेकिन उसमें पर सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे -6, 6, 2, 2। ओके, अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें है डायगोनल मैट्रिक्स लेकिन सभी 1, 1 है, यानी सभी एलिमेंट क्या हो गए, 1 में कन्वर्ट हो गए। जैसे मैं इसमें 1/2 का भाग दे दूं, तो ये मेरे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1, 1 हो जाएंगे। इसमें 1/6 का भाग दे दूं माइनस का, तो ये सारे एलिमेंट 1, 1 हो जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि जैसे हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है कि ए इज इक्वल्स टू दिस, यदि मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज का मतलब कि मैं इसके जो पंक्तियाँ हैं उसको कॉलम बना दूँ, ओके, तो जो मेरा पहले ए था वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है कॉलम और पंक्तियों को चेंज करने पर भी, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब हुआ कि जब मैंने कोई ए मैट्रिक्स था उसके कॉलम और पंक्तियों को आपस में चेंज किया, यानी उसका ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास जो उसका ट्रांसपोज आया उससे यदि मैं माइनस बार कॉमन लेता हूँ, तो वो वापस किसके समान बन रहा है, मेरे ए मैट्रिक्स के समान बन रहा है, तो वो मेरा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स। या हम कह सकते हैं जिसका ए आई जे एलिमेंट माइनस जे आई एलिमेंट की तुल्य होता है। ये जैसे मेरा ए आई जे एलिमेंट है और ये माना कि जे आई एलिमेंट है, तो ये इसके माइनस साइन के, इसके माइनस वैल्यू के तुल्य है, तो ये मेरा क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स है, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हम दो प्रकार की कंडीशन लेते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि ये जैसे अपनी विकर्ण है, ये क्या है, विकर्ण, विकर्ण के जो नीचे के जितने भी एलिमेंट, ये नीचे तीन एलिमेंट आ रहे हैं, ये तीनों जीरो हो तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में ये अपना विकर्ण है, विकर्ण एलिमेंट है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट कितने ऊपर आ रहे हैं, तीन एलिमेंट आ रहे हैं, वो जीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कौन सा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स का मतलब कि मैंने इसका जो मेरा ए मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लिया और वापस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया और मेरे पास एक यूनिटी यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हम कंजुगेट किसका ले सकते हैं, जिसमें अपना आयोटा हो।
ओके, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर विद्यमान हो जिस मैट्रिक्स में उसका हम कंजुगेट ले सकते हैं। जैसे माना कि इसमें कोई मेरा आयोटा नहीं, तो बिना आयोटा हम कंजुगेट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, कंजुगेट जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें आयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, या माइनस है तो प्लस हो गया, या माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। तो ये हम किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट लेते हैं तो उसको हम ए बार या ए स्टार से लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया कंजुगेट। अब उसके बाद मैट्रिक्स का थीटा या मैट्रिक्स का डेगर, इस साइन को हम क्या कहते हैं, डेगर कहते हैं। डेगर का मतलब होता है कि जो हमने कंजुगेट लिया उसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। जैसे हम एडजॉइन लेते हैं, कोफैक्टर का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ए डेगर का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स। ओके, जैसे हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये इसका क्या है? आ गया अपने पास ए डेगर आ गया, या ए थीटा आ गया। क्योंकि ये क्यों याद करते हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को हम आगे काम में लेते हैं, किसको डिफाइन करने के लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स को। यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब है कि हमने जो इसका ए थीटा निकला है, यदि उसको हम वापस किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ए के साथ, और यदि हमारे पास इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो अपना क्या कहलाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब कि हमने जो ए थीटा निकाला वो किसके इक्वल टू आ रहा है, अपने ए के इक्वल टू आ रहा है, यानी अपना जो ए जे ए आई जे है वो किसके तुल्य आ रहा है, कंजुगेट ऑफ जे आई के तुल्य आ रहा है, तो वो अपना क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि हम इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, ए थीटा का मतलब क्या है वो याद रखना होगा, तभी हम हर्मिशियन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ए थीटा जैसे हमने यहाँ जाना कि जो कंजुगेट है उसका ट्रांसपोज, और वो वापस किसके तुल्य आ गया, ए के तुल्य आ गया। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, यूनिटरी मैट्रिक्स। माना कि यहाँ पर एक्चुअली आ नहीं रहा है, देख लीजिए कंजुगेट लिया तो वापस ए के तुल्य नहीं आ रहा है, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी, लेकिन यहाँ पर अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसमें हमने जो ए थीटा निकाला वो माइनस ए के तुल्य आ रहा है, तो अपना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि हमने मैट्रिक्स का स्कोर किया और वो वापस आई के तुल्य आ रहा है, तो वो अपना क्या है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद पीरियडिक मैट्रिक्स, पीरियडिक मैट्रिक्स का मतलब हम जैसे के प्लस वन करते हैं तो वो वापस ए के तुल्य आ जाता है, के की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जैसे वन रखी मैंने तो भी वो किसके तुल्य आ रहा है, ए के, या जैसे वापस से मैंने टू रखा तो ए के तुल्य नहीं आ रहा माना कि एक बार, और थ्री रखा तो वो ए के तुल्य आ रहा। तो ये जो अंतराल है वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, यानी किस वैल्यू के बाद अपने वापस ए प्राप्त हो रहा है वो उसका पीरियड है। ओके, और जैसे माना कि मैंने यहाँ पर ए रखा, के इज इक्वल टू वन रखा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, मेरा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बन गया। ओके, जैसे यहाँ पर माना कि इसमें नहीं आता, थ्री में आता, तो मेरा वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा, यानी कितने के की किस वैल्यू के बाद मेरी वापस से प्राप्त हो रही। ओके, नेक्स्ट जैसे है अपने पास इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स का मतलब हमने किसी मैट्रिक्स का स्कोर किया और वापस हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स। अब इनवॉल्यूंट्री जैसे हम आई का स्क्वायर कर दें तो हमेशा आई ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, आई हमारा इनवॉल्यूंट्री मैट्रिक्स है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, यदि दो मैट्रिक्स आपस में समान है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल। उसका जैसे प्रत्येक एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ बी ऑफ ए, तो वो अपना इक्वल मैट्रिक्स है। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो जीरो के तुल्य आ रहा है, तो वो अपना क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इस प्रकार से अभी हमने कुछ मैट्रिक्स के टाइप्स देखें। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।